दोस्तों ये देखिए यहाँ पर पतंगों का ये छोटा कारखाना है। यहाँ पर आपको देख रहे कितने खूबसूरत डिज़ाइन की यहाँ पतंगे यहाँ पर बन के यहाँ पर सैंपल में रखी हुई है, और यहाँ पे अनफिनिश्ड पतंगे यहाँ भी पड़ी हुई हैं, और हमारे जो कारीगर यहाँ बना रहे हैं और यहाँ इनका स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको कितनी सारी पतंग यहाँ पर जो यहाँ पर स्टॉक में रखी हुई है, तो मैं एक खड़ी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ एक डिज़ाइन का। तो ये देखिए कौन सा डिज़ाइन है, ये कुछ डिज़ाइनों की यहाँ पतंगे हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये है, एक ये है, ये देखिए पतंगे क्या यहाँ पर, अब यहाँ मेला लगने वाला है। देखिए ये सारी यहाँ देखिए पतंगे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं काइट की मेकिंग किस तरह, एक जो काइट है जिसे पतंग बोलते हैं किस तरह बनती है। तो अपना नाम टा बोलो बेटा। प्रश्न सेख जी, हम एक जो पतंग है किस तरह बनती है उसकी मेकिंग हम चलिए देखते हैं। तो लीजिए देखिए पहले कागज को हम काटते हैं। ये लगी उसकी पूछी, है बीच का तीन का, बीच का तीन का इसका ठाडा बोलता है, ठाडा। अच्छा, तो ये बीच की कंपनी जो कहते हैं इसको, ये बीच की लग रही है। ये कोई स्पेशल लकड़ी होती है? अच्छा, ये बांस का है। इस पे अब ये गोल लगाई जा रही है, लेई लगाई जा रही है। ये आप लोग मंगवाते हैं ना, ये आपको ये बनाते हैं? वहीं पर से आता है। अच्छा, अच्छा, वो उसको पतला कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से ये कमानी लग चुकी है। अच्छा, इसको छोड़ते हैं, कितना देर तक छोड़ते हैं? तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत जल्दी बना रहे हैं, क्योंकि बीच का जो है वो उसको आधा घंटे के लिए सूखने देना चाहिए, क्योंकि अभी गीली है तो वो निकल जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी पतंग इसमें यहाँ बन के तैयार है, उसके पीछे में जो सूता है, पीछे में जो साइड में सूता लगता है, वो देखिए सूता लगाया जाता है। ये सूता कानदा क्यों देते हैं? तो ये अगर सूता अगर नहीं देंगे तो कागज फटेगा नहीं। अच्छा, हवा आने से ये फट जाता है। अच्छा, दूसरा काम में नहीं चले। अच्छा ठीक है, साइड में से तो मोड़ने का। अच्छा, ये मोड़ने के लिए इसमें देखिए जो लेई में है उसमें तो चीनी डाली हुई है। अच्छा, थोड़ा सरसों का तेल डालते हैं, जैसे कड़वा तेल बोलते हैं, ताकि वो कागज सूखे नहीं।
तो ये देखिए इसमें जो सूता था उसको कागज के अंदर में फोल्ड कर दिया गया है ताकि वो किनारियां जो है वो उसमें उसको मजबूती मिलती है। इसका तीन डबल जान आ गया। अच्छा, जो एक था तीन डबल जान आ गया इसका। अच्छा, इसका जीवन ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, कमाली को देखिए उसमें एक मजबूती देने के लिए मुद्दे उसमें उसको ऊपर से भी डाल दी गई। देखिए कमाली की यहाँ सब मजबूती दी जा रही। दोस्तों देखिए ये हमारी जो पतंग है ये बनकर रेडी हो गई है। छोटी पतंग है इसलिए हमारे इस कारीगर ने बड़ी रिक्वेस्ट पर ये हमारे लिए बनाया। तो कितनी खूबसूरत ये पतंग जो हवा में हम उड़ाते हैं बड़े शौक से, तो ये हमारे लिए बन के तैयार है।